15 मिनट फुल बॉडी वर्कआउट। आज का वर्कआउट इंटेंस होने वाला है, किलर होने वाला है। 5 एक्सरसाइज करेंगे, इसमें हर एक्सरसाइज को 40 सेकंड के लिए परफॉर्म करना है। 10 सेकंड मिलेगी पोजीशन बदलने के लिए। विल स्टार्ट इन 3-2-1 गो। फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पुशअप। पोजीशन ले लो, शोल्डर डिस्टेंस जितनी जगह दोनों हाथों के बीच में रखो। दोनों एल्बोस को बॉडी की तरफ लाते हुए नीचे आना है और वहां से पुश करते हुए ऊपर की ओर जाना है। चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मेंटेन द परफेक्ट फॉर्म, कम ऑन। ब्रीथ इन डाउन, ब्रीथ आउट अप, ब्रीथ इन डाउन, ब्रीथ आउट अप, ब्रीथ इन डाउन, ब्रीथ आउट अप, कम ऑन। एल्बोस को बॉडी की तरफ नजदीक रखो, यह थोड़ा हार्ड होगा लेकिन ट्राइसेप्स, डेल्टोइड एंड चेस्ट के सारे मसल्स को अच्छे से ट्रेन करेगा। घुटनों को बिल्कुल सीधा रखना है और फुल रेंज में वर्कआउट करना है। वर्क हार्ड, मेक योरसेल्फ प्राउड, कम ऑन। नेक्स्ट इज सुमो स्क्वाट। 3-2-1 रेस्ट। दो लेग के बीच में शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ले लो। घुटनों को पंजे की लाइन में रखते हुए नीचे जाना है। नीचे जाते वक्त सांस लेनी है, ऊपर आते वक्त सांस निकालनी है। ब्रीथ इन डाउन, ब्रीथ आउट अप, ब्रीथ इन डाउन, ब्रीथ आउट अप, ब्रीथ इन डाउन, ब्रीथ आउट अप, ब्रीथ इन डाउन, ब्रीथ आउट अप। कीप मूविंग, कीप वर्किंग आउट, कम ऑन। पहली सर्किट की यह दूसरी एक्सरसाइज है। 5 एक्सरसाइज करनी है टोटल, उसके बाद 30-60 सेकंड रेस्ट मिलेगा और ऐसे 3 राउंड करने हैं। हर एक्सरसाइज को 40 सेकंड के लिए परफॉर्म करना है। लास्ट 10 सेकंड्स, मेंटेन गुड फॉर्म, नो चीटिंग, डू योर बेस्ट, बी योर बेस्ट, कम ऑन। नेक्स्ट इज रशियन ट्विस्ट, चेंज इन 3-2-1 रेस्ट। जमीन पर बैठकर बॉडी को 45 डिग्री इंक्लाइन करो, नी बैंड रखते हुए लेग्स को ग्राउंड से लिफ्ट कर लो। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जमीन पर रखकर ही करो, कम ऑन। कोर एंड लेग्स मसल को एंगेज रखते हुए साइड टू साइड टॉर्सो को ट्विस्ट करना है। ब्रीथ आउट एंड ट्विस्ट, ब्रीथ आउट एंड ट्विस्ट, ब्रीथ आउट एंड ट्विस्ट, ब्रीथ आउट एंड ट्विस्ट, कम ऑन। फील द मूवमेंट ऑफ मसल्स, ऑब्लिक मसल्स, लेग मसल्स, ट्विस्ट एंड स्क्वीज, ट्विस्ट एंड स्क्वीज, ट्विस्ट एंड स्क्वीज, कीप द फॉर्म एंड मसल टाइट, कम ऑन। ब्रीथ आउट ट्विस्ट, ब्रीथ आउट ट्विस्ट, ब्रीथ आउट ट्विस्ट, ब्रीथ आउट ट्विस्ट। लास्ट 10 सेकंड, मेंटेन योर फॉर्म, मेंटेन योर स्पीड। नेक्स्ट इज लेग रेस, चेंज पोजीशन इन 3-2-1 चेंज। दोनों पैर को सीधे रखते हुए जमीन पर सो जाओ, पंजे को जमीन की तरफ खींच के रखना है। कोर एंड लेग्स के मसल को एंगेज करते हुए दोनों लेग्स को सीधा ऊपर की ओर उठाना है। दोनों हाथ को बॉडी के साइड में रखो, बैक के नीचे मत रखना। अगर साइड में रख के नहीं कर सकते हो तो सिंगल लेग रेस करो, 1x1 लेग रेस करो एंड कंटिन्यू करो। दोनों घुटने सीधे, पंजे को जमीन की तरफ खींच के रखना है और लोअर बैक को बिल्कुल जमीन से दबाकर रखना है। जब पैर नीचे आएंगे तब बैक को बराबर दबा के रखना है, जब पैर नीचे आएंगे तब बैक को जमीन से दबा कर रखो, जमीन से उठने मत दो बिल्कुल भी। कम ऑन, दिस इज द टास्क फॉर यू, कम ऑन, यू कैन डू इट। नेक्स्ट इज माउंटेन क्लाइंबर, चेंज पोजीशन इन 5-4-3-2-1 रेस्ट। पुशअप पोजीशन बना लो। अब वो पोजीशन को मेंटेन करते हुए एक घुटने को चेस्ट की तरफ खींचना है, फिर दूसरे को, और इस तरह 1x1 लेग कंटिन्यूअसली चेंज करते रहना है। माउंटेन क्लाइंबिंग, कम ऑन। पहली सर्किट की लास्ट एक्सरसाइज है, बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, कम ऑन, डू योर बेस्ट, बी योर बेस्ट, कम ऑन। स्पीड चाहिए लेकिन फॉर्म के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बैक न्यूट्रल एंड कीप योर कोर एंगेज, कीप मूविंग, कीप रनिंग, कीप वर्किंग आउट, कम ऑन। अगर अभी भी वर्कआउट इजी लग रहा है तो समझ लो आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। पसीना निकलना चाहिए, सांसें तेज होनी चाहिए, ब्रीदिंग डिफिकल्ट होना चाहिए, 40 सेकंड्स 4 मिनट जैसे लगने चाहिए, कम ऑन, यू कैन डू इट। लास्ट 5 सेकंड्स, 4-3-2-1 रेस्ट। बहुत बढ़िया, पहली सर्किट सक्सेसफुली कंप्लीट की है। 30-60 सेकंड रेस्ट आप यहाँ ले सकते हो। थोड़ा पानी पीना है तो पी लो। यहाँ एक बात याद रखना, मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, एक्सरसाइज का फॉर्म बताऊंगा, ड्यूरिंग द वर्कआउट आपको मोटिवेट करूंगा, लेकिन वर्कआउट करते वक्त 100% एफर्ट आपको लगाना है, इंटेंसिटी आपको मेंटेन रखनी है। आज का वर्कआउट चाहे बिगिनर हो या एडवांस, दोनों की बैंड बजाने वाला है। अभी से बता रहा हूँ, आज का वर्कआउट आसान नहीं होने वाला है। आज का वर्कआउट किलर होगा, जानलेवा वर्कआउट होगा, लेकिन वर्कआउट के बाद आपको खुद पर नाज होगा, ये मेरा वादा है। तैयार हो जाओ दूसरी सर्किट के लिए। गेट रेडी इन 3-2-1 गो। अगेन शोल्डर डिस्टेंस लेना है,
दोनों एल्बोस को बॉडी की तरफ लाते हुए नीचे की ओर जाना है और सांस निकालते हुए ऊपर की ओर जाना है। ब्रीथ इन डाउन, ब्रीथ आउट अप, 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 कीप मूविंग ऑन, कम ऑन। मैं जानता हूं ये डिफिकल्ट हो रहा है और डिफिकल्ट है इसीलिए इसे गेमिंग नहीं ट्रेनिंग कहते हैं, वर्कआउट कहते हैं। इसलिए अपने माइंड से कहो शट अप एंड कीप वर्किंग आउट। लास्ट 10 सेकंड्स, कीप वर्किंग आउट, कीप वर्किंग आउट, कीप वर्किंग आउट, कम ऑन। 5, 4, 3, 2, 1, नेक्स्ट इज सुमो स्क्वाट। दो पैर के बीच में शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ले लो, कंफर्टेबल डिस्टेंस ले लो। नीचे जाते वक्त घुटनों को पंजे की डायरेक्शन में रखो। गर्दन को न्यूट्रल और नजर 4 से 6 फुट की दूरी पर रखनी है। ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, एडक्टर्स, क्वाड्रिसेप्स, सारे मसल को एंगेज करते हुए नीचे बैठना है और सारे मसल को एंगेज करते हुए ऊपर आना है। सांस लेते हुए नीचे बैठो, सांस निकालते हुए ऊपर आओ। ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप, ब्रीथ इन एंड डाउन, ब्रीथ आउट एंड अप, कम ऑन। कोई वर्कआउट बेस्ट नहीं होता है जब तक हमारा एफर्ट उसमें बेस्ट नहीं होता है। लास्ट 5 seconds लेफ्ट, कीप स्क्वाटिंग, कीप स्क्वाटिंग, कीप स्क्वाटिंग, कम ऑन। नेक्स्ट इज रिसेप्ट ट्विस्ट। कोर मसल को एंगेज करते हुए बॉडी को इंक्लाइन पोजीशन पे रखो। ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए लेग्स को जमीन से थोड़ा सा उठा लो। नहीं उठा सकते तो ऐसे ही कंटिन्यू करो, डोंट वरी। ब्रीथ आउट एंड ट्विस्ट, ब्रीथ आउट एंड ट्विस्ट, ब्रीथ आउट एंड ट्विस्ट, ब्रीथ आउट एंड ट्विस्ट। हर रिपीटेशन पर सांस बाहर, हर रिपीटेशन पर सांस बाहर, हर रिपीटेशन पर सांस बाहर। स्पीड भी चाहिए, फॉर्म भी चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशंस भी चाहिए, कम ऑन। लास्ट 10 seconds, कीप वर्किंग आउट, कीप वर्किंग आउट, कीप वर्किंग आउट, कम ऑन। नेक्स्ट लेग रेज, चेंज इन 5, 4, 3, 2, 1, रेस्ट। पैर को सीधे रखते हुए जमीन पर लेट जाओ, पंजे को खींच के रखना और घुटने को सीधे रखते हुए लेग्स ऊपर की ओर उठाओ। अगर ये डिफिकल्ट हो रहा है आपके लिए तो आप सिंगल लेग रेस कर सकते हो, 1x1 लेग रेस करो। थ्रू आउट द मूवमेंट मसल को एंगेज रखना है, कहीं पर भी बॉडी को ढीला नहीं छोड़ना है। एक्सरसाइज में लेग उठाना जितना जरूरी है उतना ही उसे नीचे लाना भी जरूरी है। दोनों पैर को मसल को एंगेज करते हुए नीचे लाओ, स्लोली स्लोली। पैर नीचे लाते वक्त बैक को स्ट्रेट रखना है, घुटने बिल्कुल सीधे और पंजे खींचे हुए, कम ऑन। जितना हो सके उतना पैर को नीचे लाओ, पूरा जमीन तक लाओ एंड देन रेज अप। नेक्स्ट इज माउंटेन क्लाइंबर, चेंज इन 5, 4, 3, 2, 1, चेंज। उस अप पोजीशन बना लो, कोर के मसल को एंगेज कर लो और 1x1 नी को चेस्ट की तरफ खींचो। एंजॉय द वर्कआउट एंड कीप वर्किंग आउट, कम ऑन। हर रिपीटेशन पर सांस बाहर निकालनी है। ब्रीथ आउट एंड पुल, ब्रीथ आउट एंड पुल, ब्रीथ आउट एंड पुल, ब्रीथ आउट एंड पुल। दूसरी सर्किट की लास्ट एक्सरसाइज है, डू योर बेस्ट, बी योर बेस्ट, कम ऑन। थर्ड सर्किट को करने के लिए कोई एनर्जी बचानी नहीं है, जितना एफर्ट लगा सकते हो लगाओ, जितनी ताकत लगा सकते हो लगाओ। चाहो तो इसके बाद 1 मिनट ज्यादा रेस्ट ले लेना, लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट लगाओ। याद रखो हर वर्कआउट बेस्ट है अगर हमारा एफर्ट बेस्ट है, सो इट इज शो टाइम, कम ऑन। माइंड कहेगा रुक जा, लेकिन रुकना नहीं है। कीप वर्किंग आउट, कीप वर्किंग आउट, कम ऑन। लास्ट 5 seconds, 4, 3, 2, 1, हियर गो। बहुत बढ़िया, बहुत इफेक्टिवली सेकंड वर्कआउट सर्किट को कंप्लीट किया है। पानी पीना है तो पी लो, गहरी सांस लो और थर्ड सर्किट के लिए अपने आप को तैयार कर लो। आपका मन कहता होगा बहुत हो गया आज का वर्कआउट, यहाँ वीडियो बंद कर दे, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा मत करना। कम स्पीड से करोगे तो चलेगा, रेस्ट लेकर करोगे तो चलेगा, आधे आधे रिपीटेशन करोगे चलेगा, कम एनर्जी से करोगे तो चलेगा, लेकिन आपके मन की सुनोगे तो नहीं चलेगा। ट्वीट करने के बारे में सोचोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम वर्कआउट में बॉडी के साथ हमारे माइंड को भी ट्रेन कर रहे हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, समवन गेट रेडी फॉर पुशअप्स। आप अपने गोल से 200 सेकंड की दूरी पर हो, थर्ड वर्कआउट सर्किट 200 सेकंड के लिए, कम ऑन। 40 सेकंड नॉन स्टॉप पुशअप्स करने,
मैक्सिमम नंबर ऑफ पुशअप्स करने हैं। अगर आप फुल पुशअप नहीं कर सकते हो तो नी पुशअप करो। नी पुशअप करके थक जाओ तो प्लैंक पोजीशन को होल्ड करो, लेकिन वर्कआउट आधा नहीं छोड़ना है, इसे कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। दोनों घुटने सीधे, कोर एंगेज। अगर वर्कआउट आपको चैलेंज नहीं कर रहा है तो आपको चेंज भी नहीं कर सकता, इसलिए चैलेंज को एक्सेप्ट करो एंड कीप वर्किंग आउट। कम ऑन, एवरी सेकंड काउंट्स, एवरी एफर्ट काउंट्स। पसीना निकलना चाहिए, सांसें तेज होनी चाहिए, ब्रीदिंग डिफिकल्ट होना चाहिए, 40 सेकंड 4 मिनट जैसे लगने चाहिए। मैं जानता हूं ये डिफिकल्ट हो रहा है, और डिफिकल्ट है इसीलिए इसे गेमिंग नहीं ट्रेनिंग कहते हैं, वर्कआउट कहते हैं। इसलिए अपने माइंड से को शट अप एंड कीप वर्किंग आउट। लास्ट 5 सेकंड्स, पुश हार्डर, पुश हार्डर, पुश हार्डर, कम ऑन। रेस्ट आप है जोरदार, तैयार हो जाओ सुमो स्क्वाट के लिए। शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस। नीचे जाते वक्त घुटनों को पंजे की लाइन में रखना है, सांस लेते हुए नीचे बैठना है, सांस निकालते हुए ऊपर आना है। बहुत थक जाओ तो 2-3 गहरी सांसें ले लो और फिर कंटिन्यू करो, लेकिन कंटिन्यू रखना है, वर्कआउट छोड़ना मना है। बॉडी को ढीला नहीं छोड़ना है, मसल को एंगेज करते हुए नीचे जाना है, मसल को एंगेज करते हुए ऊपर आना है। ट्रेन योर ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, एडक्टर्स एंड क्वाड्रिसेप्स, कम ऑन। माइंड कहेगा रुक जा, लेकिन रुकना नहीं है। कीप वर्किंग आउट, कीप वर्किंग आउट, कम ऑन। Breathe in down, breathe out up. Breathe in down, breathe out up. Breathe in down, breathe out up. Last circuit है, अपना best effort लगाना है। 10 second बची है, अपना best performance दिखाओ। Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Rest. All muscles must be on fire now. Get ready for Russian twist. Come on. याद रखो, मसल ग्रोथ के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए इंटेंसिटी मैटर करती है, टाइम अंडर टेंशन मैटर करता है, और इस वर्कआउट सर्किट में हम यही कर रहे हैं। पसीना निकलना चाहिए, सांसें तेज होनी चाहिए, ब्रीदिंग डिफिकल्ट होना चाहिए, 40 सेकंड 4 मिनट जैसे लगने चाहिए। गेट रेडी फॉर रशियन ट्विस्ट, कम ऑन। यूज ऑब्लिक एंड ट्विस्ट, यूज ऑब्लिक एंड ट्विस्ट, यूज ऑब्लिक मसल एंड ट्विस्ट। कोर एंड लेग्स मसल को एंगेज रखते हुए साइड टू साइड टॉर्सो को ट्विस्ट करना है। फील द मूवमेंट ऑफ मसल्स, ऑब्लिक मसल्स, लेग मसल्स। ट्विस्ट एंड स्क्वीज, ट्विस्ट एंड स्क्वीज, ट्विस्ट एंड स्क्वीज। इस थर्ड वर्कआउट सर्किट में स्पीड नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन कम एफर्ट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बेस्ट बनना है तो अभी टाइम है, अपना एफर्ट बेस्ट लगाओ। कम ऑन, फील द मूवमेंट ऑफ मसल्स, ऑब्लिक मसल्स, लेग मसल्स। लास्ट 10 सेकंड्स फॉर रशियन ट्विस्ट। कीप वर्किंग आउट, कीप वर्किंग आउट, कीप वर्किंग आउट, कम ऑन। यूज ऑब्लिक एंड ट्विस्ट, यूज ऑब्लिक एंड ट्विस्ट, यूज ऑब्लिक मसल्स एंड ट्विस्ट। रेस्ट, चेंज फॉर लेग रेज। दूसरा इंसान कितना एफर्ट लगा रहा है यह बिल्कुल मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ, आप कितना एफर्ट लगा रहे हो यह आपके लिए बहुत मैटर करता है। डू योर बेस्ट, बी योर बेस्ट, कम ऑन। पैर को ऊपर उठाते वक्त पंजे खींचे हुए और घुटने बिल्कुल सीधे रखना है। मुझे पता है पसीना बढ़ रहा है, ब्रीदिंग रेट बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाकी है, जस्ट हैंग ऑन देयर। बहुत थकान लगे तो 2-3 गहरी सांसें ले लो, 5 सेकंड वेट कर लो और फिर से कंटिन्यू करो। मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज का वर्कआउट चाहे बिगिनर हो या एडवांस, दोनों की बैंड बजाने वाला है, और आप देख सकते हो किस तरह बैंड बज रही है, लेकिन यही तो वर्कआउट है, यही आपको रिजल्ट देने वाला है। कम ऑन, फैंटास्टिक। इस सर्किट की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे माउंटेन क्लाइंबर। अगर आपको और रेस चाहिए तो यहां पर वीडियो को पॉज कर लो और थोड़ा सा ब्रेक लेकर फिर शुरू कर सकते हो। इस सर्किट की लास्ट एक्सरसाइज है माउंटेन क्लाइंबर, इसके बाद रेस्ट लेना ही लेना है, अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है इसके अंदर। हर रिपीटेशन पर सांस बाहर निकालनी है। ब्रीद आउट एंड पुल, ब्रीद आउट एंड पुल, ब्रीद आउट एंड पुल, ब्रीद आउट एंड पुल। लास्ट चांस है आपके पास एफर्ट लगाने के लिए, लास्ट 40 सेकंड्स, कम ऑन। कुछ सोचना नहीं है, माइंड को ब्लैंक कर दो, जस्ट कीप वर्किंग आउट, कीप वर्किंग आउट एंड कीप वर्किंग आउट। रिमेंबर, एवरी सेकंड काउंट्स, एवरी एफर्ट काउंट्स। डू योर बेस्ट, बी योर बेस्ट। याद रखो, हर वर्कआउट बेस्ट है अगर हमारा एफर्ट बेस्ट है, सो इट इज शो टाइम, कम ऑन। लास्ट 3, 2, 1, रेस्ट। This is it. ये हुई ना बात, fantastic. Effectively workout circuit को complete किया है। अब जितना चाहे उतना rest ले लो, इसके बाद हम stretches करेंगे, cool down करेंगे, जिस muscle पर हमने work किया है उसे अच्छे से stretch करेंगे, lengthen करेंगे, ताकि workout recovery हमारी बहुत ही जल्दी अच्छे से हो जाए। गहरी सांसें लो, थोड़ा पानी पीना है तो पी लो, और अपने आप को तैयार कर लो स्ट्रेचिंग के लिए।
बॉडी के लिए जितना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग भी इंपॉर्टेंट है। चार स्ट्रेचिंग करेंगे हम जो कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को स्ट्रेच करेगा, बॉडी रिकवर होने के लिए भी काफी हेल्प करेगा। पहला स्ट्रेच करेंगे अब्डोमिनल मसल्स के लिए। हाथ और पैर का सपोर्ट लेते हुए लोअर बॉडी को नीचे जमीन पे रखो और अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठाओ। पेट के मसल्स में अब्डोमिनल मसल्स में स्ट्रेचिंग आपको महसूस होगा। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है तो आप थोड़ा सा नीचे आ सकते हो, हाथ का सपोर्ट भी ले सकते हो। यही स्थिति को होल्ड करेंगे। बॉडी की मूवमेंट और ब्रीदिंग रेट जो बढ़ गया है उसे धीरे धीरे शांत करने की कोशिश करो। रेस्ट। नेक्स्ट पोस्टीरियर मसल्स को स्ट्रेच करेंगे हम। बॉडी को उतना ही खींचो जितना आप 30 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो। हर किसी का फ्लेक्सिबिलिटी लेवल अलग अलग होता है। जिस पोजीशन पर आप कंफर्टेबल महसूस करते हो वो स्थिति को होल्ड करने की कोशिश करो। हाथ और पैर का सपोर्ट लेते हुए हिप्स को सीलिंग की तरफ पॉइंट करते हुए ऊपर की ओर लेते जाओ। कोहनी, बैक एंड दोनों घुटनों को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करो। जैसे ही आप एल्बोस, बैक एंड नीज को स्ट्रेट करोगे स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग लग रहा हो तो दोनों पैर थोड़े से हाथ की दिशा में आगे ले लो। रेस्ट। नेक्स्ट करेंगे शोल्डर स्ट्रेच। जमीन पे बैठ जाओ, दोनों हाथ को बॉडी के पीछे के भाग में रखो, दोनों कोहनी को सीधी रखते हुए हिप्स को हाथ से दूर करो। Go! उतना ही आगे लो जितना आप 30 सेकंड के लिए होल्ड कर सको। सांस लेते रहो और पूरी बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स करते जाओ। अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाओ और पूरे बॉडी को धीरे 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 रिलैक्स करते जाओ। रेस्ट। अब इनर थाई के मसल को स्ट्रेच करेंगे। दोनों लेग के तलवे को एक दूसरे से टच करते हुए लेग्स को क्रॉस करते हुए बैठ जाओ। दोनों हाथ से पैर के पंजों को पकड़ते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ झुकिए। गो। याद रखे उतना ही झुकिए जितना आप उस पोजीशन को 30 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हो। अपना ध्यान अपनी सांसों पे लगाओ और पूरे बॉडी को धीरे 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 रिलैक्स करते जाओ। तो ये था आज का फुल बॉडी वर्कआउट। मैं आशा रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बींग द फिटेस्ट।